स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। और मैं आया हूँ गांव, देख सकते हो 3 दिन से मैं गांव में ही हूँ। आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो सरसों का खेत है ये सारा, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ आपको, मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरा साथी है ऑटो, इसको ही लेके आया हूँ मैं अलीगढ़, और इसी से जाऊँगा दिल्ली। दिल्ली है यहाँ से 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है यहाँ से, और मैं दिल्ली ही जाऊँगा, इससे ही जाऊँगा और इसी से आता हूँ। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे एक ब्लॉग बना लेता हूँ। और देख सकते हो मेरे सामने खेत है, ये सारा ना सरसों का खेत है, सरसों का खेत है, और ये बराबर में हमारा गांव है इधर से। और ये देखो, ये देख सकते हो आप, और साथ में ये गेहूँ है, यानी कि अभी जनवरी फरवरी मार्च में होली होती है, अब 2-3 महीने में ही पक जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो फिर ये गेहूँ बन जाएंगे बड़ी, अभी छोटा है, छोटा है। और ये मेरे गांव की तरफ से आ रहा है रास्ता इधर से, और अभी हम उधर जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे अलावा, और मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, और मैं ऐसे ही एक ब्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको पता पड़ जाए मैं हूँ अलीगढ़ में। अभी 3 दिन से अलीगढ़ में हूँ, और 3 दिन से, और प्लस क्या है बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ना एक भंडारा हो रहा है, जिसे 21 गांव इसमें न्योता दिया गया है, यानी कि एक भंडारा बनाया गया है। किसी ने बोला 21 गांव न्योता देना, यानी कि कुछ मान्यता उसकी पूरी हो गई, इसीलिए उन्होंने कहा है मैं 21 गांव, और मैं दिखाऊंगा आपको भंडारा, भंडारा इतना बड़ा भंडारा है, इतना भंडारा बना है, कम से कम लाखों के हिसाब से आदमी वहाँ पे भंडारा खा रहे हैं। भंडारा भी किस चीज़ का भंडारा है, मालपुआ सुना होगा, अलीगढ़ में मिलते हैं आपको मालपुआ, वो होता है लाल लाल सा होता है, एक रोटी मतलब आटे का बनाते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं मालपुआ, अलीगढ़ में ज़्यादा चलता है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो मालपुआ भंडारे की। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी को लेके, ये मेरा ऑटो है, अब मैं इसी को लेके स्टार्ट कर, और मैं इसको लेके अब चलूँगा वहाँ पे भंडारे की तरफ। तो अभी मैं चल रहा हूँ भंडारे की तरफ, आप मेरे ब्लॉग पे बनी रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ भंडारे की वीडियो। और भंडारा भी ऐसा वैसा नहीं है, भंडारा है, कम से कम लाखों लोग खा रहे हैं कम से कम। मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। और ये देखो मैं बैठ गया हूँ ऑटो में, ठीक है, और ये बच्चे आए हुए हैं सारे यहाँ से मेरे साथ में गांव से, भंडारा खाने जा रहे हैं हम लोग, और जो है भंडारा खाएंगे। अब ये देखो ऑटो चल रहा है, ऑटो चल रहा है, मैं ऑटो के बाहर दिखा रहा हूँ आपको ब्लॉग, ये देखिए ऑटो चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भंडारा तुम्हें खास करके भंडारा दिखाऊंगा, जो कि लाखों आदमी खा रहे हैं वहाँ पे भंडारा, लाखों के हिसाब से वहाँ पे भंडारा खा रहे हैं लोग। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी आके कि कितने लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, और मैं और हमारे मामा गए अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ भंडारे की वीडियो, आप मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। और देख सकते हो मैं जा रहा हूँ ऑटो लेके, चला नहीं रहा हूँ ऑटो, लड़का है मामा का, वो चला रहा है, और मैं आपको मिलता हूँ भंडारे में, बने रहिए मेरे साथ में भंडारे की वीडियो में, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये है आलू का खेत, ये आलू का खेत है, और ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो आपने देखा होगा, ये देखो ये आलू का खेत है, इसमें जो है ना आलू उगते हैं, ये देखो इसमें जो है ना आलू हैं, इसके नीचे है आलू, ये देखिए इसके नीचे है आलू, ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है, और इसी के नीचे आलू हैं, ठीक है। ये पूरा आलू का खेत है इतना बड़ा, ये देखिए सारे में आलू हैं, ये देखिए जहाँ तक देखो आलू हैं, ये देखो, और उसके पीछे सरसों हैं, और ये आलू हैं, ये देखो दिखा देता हूँ मैं अभी, आलू के पेड़ में खड़ा हूँ, खेत में खड़ा हूँ, मतलब देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल रहा था भंडारे में मिलूंगा, ये बीच में पड़ गए आलू, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आलू, और मिलता हूँ आपको भंडारे में। ये देखो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भंडारे में, आप देख सकते हो ये भंडारा हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ भंडारे में, तो ये भंडारा ही हो रहा है यहाँ पे, ये देखो भंडारा हो रहा है यहाँ पे,
अभी मैं अंदर चलूंगा, अंदर की वीडियो दिखाऊंगा आपको, अंदर भंडारा हो रहा है, ठीक है। देखो किसका नंबर आता है।